हमारे साथ चले वाली है तस्वीर जो अपना देखे ला है वह रीवा जिला के अंतर्गत आवे वाली प्राथमिक विद्यालय के यहाँ बच्चन का मध्यान्ह भोजन परोसा का है। मध्यान्ह भोजन जो परोसा का है ओकर हाल अपना स्वयं देख ली, दाल अलग और पानी अलग है। ऐसे में मासूम बच्चा ये भोजन का खाए का मजबूर है, काहे से कि इनका जो परस दिन जात है वह खाए का होता है। अपना बता दें कि मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलन में पढ़े वाले बच्चन का मिले वाले मध्यान्ह भोजन के जिम्मेदारी समूह संचालकन का दिन जाती है, जिनका शासन के तरफ से हर दिन खातिर अलग अलग मेनू बच्चन के भोजन का निर्धारित की जात है, जिसके हिसाब से बच्चन का भोजन बनाए के परोसा जात है। पर डाइट चार्ट के पालन कितना समूह संचालक कह रहे हैं एकर या छोट का नमूना आए मासूम बच्चन के निवाला खलाए समूह संचालक खुद ही टकार रहे हैं। सलगा मामला का आए वो हम अपना का बताई थे। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूछा अपना पंचे समझने का प्रणाम कहते शुरू करे थे बड़ी खबर से। दरअसल मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल में पढ़े वाले बच्चन का मध्यान्ह भोजन की सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती, सरकार के द्वारा भारी भरकम राशि मध्यान्ह भोजन के नाम पर खर्च की जाती। वह हर दिन के हिसाब से विद्यालय में पढ़े वाले बच्चन के भोजन खातिर अलग अलग मेन्यू निर्धारित की जाते हैं। बावजूद एक बच्चन का मिले वाले मध्यान्ह भोजन का कोटमेर से दिन जात है और वानगी अपना हमारे साथ ये तस्वीर में देख सकी थे। बच्चा का पोषण आहार के नाम में समूह संचालक राशि हड़प रहे हम। रीवा के जनपद पंचायत के अंतर्गत पनगड़ी प्राथमिक विद्यालय की यह मामला है, जहां बच्चन का दीन जाए वाले मध्यान्ह भोजन मां कौनो मेल से मेन्यू के पालन नहीं की जाए, बल्कि मेन्यू का दरकिनार कई के बच्चन का जो भोजन दीन जा रहा है वो अपना स्वयं देख ले। भोजन मां दाल चावल परसा का है, जौनी मां दाल अलग है और पानी अलग दिखा रहा है। रीवा से यह मामला समूहयाबा है, जहाँ के गगेव जनपद पंचायत के अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला पनगड़ी संकुल हिनौती मां ननिहालन का जो भोजन परोसा जाता है वो मन ना था कौनो मेर के मेन्यू के पालन की जाता है। अनवय बच्चन के पोषण आहार से समूह संचालकन का कोनो मतलब है, उनका मतलब है तो खाली समूह में बच्चन के भोजन के नाम से मिले वाली राशि का हड़पाई से खाना पूर्ति खातिर बच्चन का मध्यान्ह भोजन परसा जाता है और समूह संचालक खुद बच्चन का भोजन के नाम पर मिले वाली राशि का डकारा ला है। ऐसे में जनपद सीईओ का चाही के मामला का संज्ञान में लें, समूह संचालकन के अच्छी खबर लें, जैसे दोबारा के समूह संचालक मासूम बच्चन के थाली माँ बुरी नजर न डाल सका, थाली भ्रष्टाचार से कम सुरक्षित रहे। दे इजाजत, रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम। कहाँ सुखवाजे हैं?